हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए भी जरूर बात करूंगा जी और नेट वालों के लिए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी पीएम मोदी को कॉल किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, दोपहर को मैंने आप लोगों को इसका अपडेट दिया था, बोथ कंपार्टमेंट एंड जी और नेट को लेकर कंपार्टमेंट स्टूडेंट इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया क्या आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट डे के बारे में बताया था 5 बजे से हुआ था हंगर स्ट्राइक, इसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना के दिखाया था। साथ साथ यूट्यूब पर क्यों हो रही है झगड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी और नीट वालों के लिए ये मैं बताता हूं। पहले ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। आज आप लोगों को क्या पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इंडिया में आज 80,000 केस आया है। आप लोगों को ये न्यूज तो आप लोगों को अभी तक मिल गया होगा, किसने अभी तक नहीं देखा है तो अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है 80,000 केसेस और 2 या 3 दिन बाद जी का और नीट का एग्जाम होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे होगा आखिर, पता नहीं गवर्नमेंट कब आंख खुलेगी, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और चीज जो सबसे बड़ा हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही सेम सिचुएशन अभी हो रहा है, सेम सिचुएशन। सबने आंख बंद कर लिया है जी और नीट को लेकर, पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दे रही है। मैं आप लोगों का जवाब पहले देता हूं, फिर कंपार्टमेंट का जो न्यूज है वो मैं बाद में देता हूं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी सर आज फाइनल कॉल, एक बार सुबह उन्होंने कॉल किया था, मैं अच्छे से डिटेल्स में समझाता हूं। उन्होंने एक बार कॉल किया हमारे स्वामी जी को। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपार्टमेंट बोर बिल्कुल मत होइएगा, आप लोगों के लिए भी कुछ है। तो देखिए, स्वामी जी ने कॉल किया ऑफिस में, पीएम ऑफिस, फिर क्या हुआ, किसी ने रिसीव नहीं किया, उनको कहा गया वो कॉल बैक करेंगे। पर आप लोग ध्यान दीजिए, अभी तक कोई भी कॉल बैक उन्होंने नहीं किया। स्वामी जी अभी तक बैठे हुए हैं, कोई भी कॉल अभी तक नहीं आया है। और आपका एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों बस 2 या 3 दिन और बच गया है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को अलर्ट कर दे रहा हूं, देखो अगर स्वामी जी को आप लोग कॉल बैक करेंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बोलेंगे कि ठीक है हम लोग कल सोच लेंगे, परसों सोच लेंगे, ऐसे करते करते आपका तो परसों या तरसों से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग नीट और जी वालों रिस्क मत लो, एकदम रिस्क मत लो प्लीज। आप कॉल के लिए बैठने के लिए टाइम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या चमत्कार होगा ऐसा क्या, तो वो तो कुछ नहीं पता, क्योंकि स्वामी जी को अभी तक कोई भी कॉल रिप्लाई नहीं आया है हमारे पीएम मोदी की तरफ से। वो कब से इंतजार कर रहे हैं, छोटी सी वीडियो होने वाली मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर कुछ होता है बाय चांस, अगर कल या परसों या कल कुछ हो जाता है तो आपको पता चली जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिए। चलिए मैं बात कर लेता हूं, आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट मेरे भाई बहन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत रहो। आप लोग को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि आज 5 बजे से प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है ना, हंगर स्ट्राइक हो रहा था, इन्होंने किया, क्या नाम है इनका, शैलेश पासवान। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स भी हैं, जी और नीट भी हैं, आयशा की तरफ से ये प्रोटेस्ट हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, हैंड सल्यूट टू आयशा कि आप लोगों के लिए हमेशा लड़ी, साथ साथ हमेशा लड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चीज जो यूट्यूब पे हो रहा है, मैं ये चीज थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, उससे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम हुए, ये आर्टिकल में छपा है, अगर एग्जाम हुए तो मेरे प्यारे दोस्तों यूएस का रिकॉर्ड टूटने वाला है, ठीक है ना। यूएस जैसा हालत होगा, बच्चों को कोरोना होगा, 80,000 केस, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे को, मतलब जब देश में 500 या 5,000 केसेस थे तब बहुत हल्ला होता था कि लॉकडाउन होगा, एग्जाम नहीं होंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पर आज 80,000 केस आया है। मैं नीट और जी को भी और कंपार्टमेंट को भी बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा लाइफ अभी आप लोगों का रिस्क में है, तो सोच समझ के कदम उठाओ कुछ भी, ठीक है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पता नहीं क्यों। अब हम लोग तो बैठे हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के लेके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों साथ साथ अपने पढ़ाई पे बने रहो, ठीक है ना, जो भी कुछ भी होगा देखते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यूट्यूब पे क्यों झगड़ा हो रहा है, मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यूट्यूब पे झगड़ा होने का कारण मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ है एसबीजी सर के साथ, आप लोग पता है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे हुई है, आप लोग स्क्रीन पे देखो, जो रिसेंट पिटीशन फाइल शक्ति सर ने पिछली बार किया था, इस बार शिवम भाई ने किया है, ये नाम आखिर चुराया किसने ये चीज बोला मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज पता लगाना है, कौन वो शख्स है, कौन वो यूट्यूबर है जो ये बात कह रहा था कि हमने जाकर पीआईएल कर दिया। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, शिवम भाई ने ही पीआईएल करा था, और जो सच्चा आदमी है उसे सच्चाई की जीत होनी चाहिए। चलिए एक और चीज, जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारा यूट्यूब चैनल प्रमोट कर दो, मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ता हूं अभी नहीं, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तरह मैं भी बिजी हूं, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूं, ताकि मैं अपना भी काम कर सकूं, जो भी प्रमोशन है, जो भी गेम खेलना है, अगले मंथ से मैं आप लोगों को सब कुछ चांस दूंगा इसी चैनल पर खेलने का भी और चैनल भी प्रमोशन करने के लिए। लेकिन अभी आप लोगों का कंपार्टमेंट है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान रखो, खुद को सेफ करके चलो, खुद का ख्याल रखो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सारे कंफ्यूजन दूर कर दो। मैं जी और नीट के स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना पढ़ाई करिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करके टाइम काट देंगे, ठीक है ना, ये लोग ऐसे करते करते फिर कितना दिन आखिर ये लोग बढ़ेंगे, तो इसीलिए अपना पढ़ाई करते रहिए, जो होगा देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, सुबह के वीडियो में 9 से 10 के बीच जरूर कोई अपडेट आएगी, तब तक अपना ख्याल रखो।